समाचार आज तक पेश करता है दिन भर की ताज़ातरीन खबरें। पहली खबर में आपको बता दें कि संथाल परगना में जल संकट से हर आम व खास लोग जूझ रहे हैं, लेकिन इस विषम परिस्थिति में भी कुछ ऐसे पंचायत हैं जहां पंचायत प्रतिनिधियों की सूझबूझ से गर्मी में जनता को राहत दिलाने का काम किया गया है। ऐसा ही एक पंचायत है सदर प्रखंड का सिमरडा पंचायत। यहां वर्तमान में 10 सोलर जल मीनार चालू हैं, जो बीते 3-4 वर्षों के दौरान बनकर तैयार हुआ था। 14वें वित्त आयोग की मद से पंचायत प्रशासन ने बेहतर रखरखाव कर आम ग्रामीणों के लिए निर्बाध जलापूर्ति सुलभ की। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि गोड्डा से रेल का सफर हम सफर एक्सप्रेस ट्रेन से शुरू होगा। आगामी 8 अप्रैल को नई दिल्ली से रेल मंत्री पीयूष गोयल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोड्डा स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं गोड्डा स्टेशन में उद्घाटन के मौके पर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे सहित स्थानीय विधायक अमित मंडल और पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव सहित कई बड़ी हस्तियां गोड्डा स्टेशन में मौजूद रहेंगी। गोड्डा रेल स्टेशन से नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाया जाएगा। उद्घाटन के मौके पर मालदा डिवीजन के DRM यतीन्द्र कुमार सहित पूर्व रेलवे के कई उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मालदा डिवीजन की ओर से आगामी 8 अप्रैल से शुरू होने वाली हम सफर ट्रेन के परिचालन व उद्घाटन समारोह को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। शनिवार को मालदा डिवीजन के ADRM सुजीत कुमार, सीनियर DCM सह PRO पवन कुमार सहित अन्य रेल अधिकारियों ने गोड्डा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया व रेल परिचालन की तैयारी का जायजा लिया। इसके साथ ही देखा कि रेल परिचालन में और क्या क्या आवश्यकता है जिसे 7 अप्रैल तक पूरा किया जा सके। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि NYCC की ओर से आयोजित सीमित ओवर क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में किंग्स 11 धनकुड़िया ने क्रिकेट क्लब भल्लू को 3 विकेट से पराजित कर फाइनल का खिताब अपने नाम कर लिया। धनकुड़िया ग्राउंड में आयोजित 10 ओवर के फाइनल मैच में टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए भल्लू की टीम ने सभी विकेट खोकर 86 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी किंग्स 11 धनकुड़िया की टीम ने 7 विकेट खोकर 87 रन का स्कोर बनाकर मैच अपनी झोली में कर लिया। विजेता एवं उपविजेता टीम को पंचायत के मुखिया हेमंत कुमार मंडल, पंचायत समिति के सदस्य निर्भय कुमार सिंह, सामाजिक नेता पंकज कुमार अतुल्य ने कमेटी की ओर से सम्मानित किया। विजेता टीम को जहां ट्रॉफी एवं 4,000 रुपए नगद दिया गया, वहीं उपविजेता टीम को छोटा ट्रॉफी एवं 3,000 रुपए नगद दिया गया। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि विभिन्न लंबित मांगों को लेकर शनिवार को शहर के बाबूपाड़ा स्थित लोकल बॉडीज एम्प्लाइज फेडरेशन के कार्यालय में नगर परिषद के सफाई कर्मियों की अहम बैठक फेडरेशन के महासचिव अरुण सहाय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि फेडरेशन की मांग पर निकाय प्रशासन विचार नहीं कर रहा है। इस कारण आगामी 5 अप्रैल को फेडरेशन से जुड़े सभी सफाई कर्मचारी सामूहिक रूप से अवकाश पर रहेंगे और कार्य बहिष्कार आंदोलन करेंगे। फेडरेशन ने बैठक में लिए गए निर्णय की प्रति भी नगर परिषद प्रशासन को उपलब्ध करा दी है। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि मेहरमा प्रखंड के सुरनी गांव के पश्चिम टोला में शनिवार की दोपहर चूल्हे से निकली चिंगारी ने 25 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण अग्निकांड में सभी घर जलकर पूरी तरह राख हो गए। अग्निकांड में करीब 10 लाख रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। वैसे इसका आकलन किया जा रहा है। घटना का कारण चूल्हे से निकली चिंगारी बताया जा रहा है। घटना के बाद सभी पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। सर्वप्रथम गांव के फेकू मंसूर के घर में आग लगी। इसके पश्चात देखते ही देखते आस पड़ोस के 25 घरों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। तेज धूप व पछुआ तेज हवा का झोंका के कारण घर में रखा अनाज, कपड़ा, बर्तन सहित सभी प्रकार के कागजात, मुर्गा मुर्गी, बकरी सहित सारा सामान जलकर राख हो गया। फेकू मंसूर के शादी वाले घर तथा मोहम्मद मंसूर के घर का गैस सिलेंडर भी फट गया। इस कारण आग ने और विकराल रूप धारण कर लिया। आग पर काबू पाने में लोगों को काफी परेशानी हुई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझ जाने के करीब 2 घंटे बाद अग्निशमन दल गांव पहुंचा। गांव में संकीर्ण सड़क होने के कारण घटना स्थल पर दमकल गाड़ी नहीं पहुंच पाई।
प्रभावित आलमगीर मंसूर ने बताया कि उसकी बहन की शादी थी, देर शाम बारात आने वाली थी। शादी का सारा सामान तथा घर में रखा अनाज, कपड़ा, बर्तन आदि जलकर राख हो गया। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि पड़िया हट गुड्डा NH 133 मुख्य मार्ग घुनघासा के पास ट्रक से पेड़ में हुई जोरदार टक्कर। आपको बता दें कि गुड्डा की ओर जा रहा सीमेंट लदा हुआ एक ट्रक जिसका नंबर JH 15D 2933 है, इसी बीच घुनघासा के पास ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ में ठोकर मार दिया, जिससे ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों की मदद से पुलिस को सूचना दिया गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायल को बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया।